हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर, और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग विच इज बेस्ड ऑन टेक्स्ट एंड डेट। अगर हमारे कॉलम के अंदर डेटा टेक्स्ट में है या डेट फॉर्मेट में है, तो हम उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक टेक्स्ट लिया है कॉलम के अंदर, सी कॉलम के अंदर मैंने डेटा को सेट कर लिया है। अब अगर मैं इसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ जिस स्टेट का हम सेलेक्ट कर देंगे, नाम लिख दें या उसका एड्रेस दे दें, तो वही उस सेल की जो टेक्स्ट उस सेल के अंदर है वह आपका हाईलाइट हो जाएगा। यदि उस रेंज के अंदर कहीं भी आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंज को सिलेक्ट किया जिस रेंज के अंदर लिखा हुआ था आंध्र प्रदेश, तो इस पूरी रेंज के अंदर जहाँ जहाँ आंध्र प्रदेश आएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसको किसी भी कलर से फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं एक बार अभी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप दें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब का रेड बटन दबाकर मुझे मोटिवेट करें, और हाँ, मेरी आने वाली हर वीडियोस को सबसे पहले फ्री में देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिर दोबारा से जाते हैं हाईलाइट के अंदर। इस बार मैंने डेटा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, मैंने सेम जो स्टेट्स हैं दूसरे एक और कॉलम में ऐड कर लिए हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि पिछले कॉलम के अंदर अगर सेम डेटा इस वाले कॉलम के अंदर भी आ रहा है तो हम उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कि इस डी कॉलम के फॉर्मेटिंग हमें बेस्ड करनी है सी कॉलम के टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ मैं डी कॉलम के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सेम कमांड भी गए। यहाँ या तो मैं टाइप कर सकता हूँ कोई भी टेक्स्ट, अदरवाइज मैं यहाँ एड्रेस भी दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे C5 जब उसको है और D5 में सेम डेटा आता है या स्टेट का नाम आता है, तो वो हाईलाइट हो जाए। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा C5, और दो बार प्रेस किया F4, और यहाँ हो गया $C5। ओके किया, ग्रीन फिल मैंने इसका एक बार कलर किया है। अब मैं यदि ओके करूँगा तो यदि दोनों एडजेसेंट सेल के अंदर सेम डेटा होगा तो डी कॉलम के अंदर वो हाईलाइट हो जाएगा। कर्नाटक था सी के अंदर और डी के अंदर कर्नाटक का, तो हाईलाइट हो गया। जो रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है वो अपने पिछले एडजेसेंट सेल से चेक कर रहा है कि यदि सेम डेटा है तो वो उसको हाईलाइट कर देगा। जो भी कलर हमने दिया उसी कलर से वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो टेक्स्ट बेस से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं यदि कुछ कॉन्स्टेंट टेक्स्ट लिख भी देता हूँ, सपोज को मैंने लिखा डेली, अब इस पूरी रेंज के अंदर जो मैंने सेलेक्ट की थी उसमें जहाँ जहाँ डेली आएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। यानी कि हम एक तरीके से डुप्लीकेसी भी चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ डेली आ रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं। किसी भी रेंज के अंदर हम रेंज के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम रिलेशनल डेटा जो हमने डाला है, सपोज करो कोई कॉन्स्टेंट हमने शुरू में डाला था आंध्र प्रदेश का एड्रेस C6, उसके थ्रू भी चेक किया, फिर $C6 के थ्रू भी चेक किया, फिर हमने कॉन्स्टेंट डेटा डेली लेकर भी चेक किया। अब हम आते हैं डेट टाइप के डेटा के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन आता है डेट ऑक्यूरिंग, यहाँ पे ऑप्शन कई सारे ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है यस्टरडे, यानी कि किसी कॉलम के अंदर अगर डेट रखी हुई है तो हम उस डेट के अंदर कुछ पर्टिकुलर रेंज को हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज करो सेलेक्ट है यस्टरडे, और मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको, रेड कलर से यह हाईलाइट हो जाए। यानी कि जो डेट आज है, सपोज करो आज है 1 जून, तो 1 जून से पहले 31 मई, यानी कि यदि मैंने यस्टरडे सेलेक्ट किया था तो 31 मई वहाँ पर हाईलाइट हो गया। ऐसे मैं टुडे सेलेक्ट करूँगा यहाँ से जा करके, तो जो टुडे आए यानी कि आज की जो डेट है 1 जून 2020, वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से टुमारो भी हम कर सकते हैं। टुमारो करोगे तो आपकी जो 2 जून है वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर डेट रेंज को भी हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से करता हूँ टुमारो, क्लिक करेंगे यहाँ से तो 2 जून आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक वैसे ही इसमें दिया गया लास्ट 7 डेज, इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक डेट रेंज ली हुई है, यानी कुछ 2 महीने की डेट यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइप की है, ताकि हम उसको समझ पाएंगे कौन सी डेट क्लिक करने से हाईलाइट हो रही है। तो मैंने यहाँ से लास्ट 7 डेज, यानी कि आज 1 जून है, तो इससे पिछले 7 दिन की जो डेट्स हैं वो आपकी हाईलाइट हो गई हैं। लास्ट वीक करेंगे तो पिछले हफ्ते की जो डेट्स होंगी वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। ये थी लास्ट 7 डेज, यानी कि जो भी डेट है या वीक का जो भी दिन है वो आपकी आज की डेट से पिछले 7 दिन को हाईलाइट कर दे। इसी तरीके से वीक को हाईलाइट कर सकते हैं, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक या दिस वीक, इनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। सेम कमांड के अंदर वहीं हम सेलेक्ट करेंगे दिस वीक या लास्ट वीक। लास्ट वीक सेलेक्ट करेंगे तो जो लास्ट वीक था इस मंथ का वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही दिस वीक जो वीक चल रहा है हम इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसको हम क्लियर कर दें एक बार। ये 7 डेज यहाँ पे सेलेक्ट हो गए इस हफ्ते के।
नेक्स्ट वीक भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 6 के बाद जो 7 से हफ्ता शुरू होगा, तो 7 से आगे का हफ्ता यदि हमें सेलेक्ट करना है नेक्स्ट वीक, तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। दिस वीक को वापस जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स क्लिक करते हैं, डेट ऑक्यूरिंग, और यहाँ से हम जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसको सेलेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट वीक। ओके करेंगे यहाँ से, तो जो नेक्स्ट वीक यानी कि 7 से जो डेट शुरू हो रही थी उसको हम देख लेते हैं, ये हाईलाइट हो गई। 7 से 13 तक की जो डेट थी वो हाईलाइट हो गई। इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक वैसे ही मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन दिए हुए हैं, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। लास्ट मंथ करता हूँ तो जो लास्ट मंथ है यानी कि जो मंथ अभी निकला है यानी कल ही ख़त्म हुआ है मे मंथ, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखो 1 से लेके 31 मई तक, यानी 1 मई से 31 मई तक की जो रेंज थी वो डेट रेंज है वो सिलेक्ट हो गई है। ज़रूरी नहीं है रेंज आपकी बिल्कुल कंटिन्यूस यानी कि कंटिन्यूस सेल में लिखी हुई हो, कहीं कहीं भी डेट लिखी होगी तो वो वहीं से इनको फिल्टर करके सिलेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि एक साथ डेट लिखी हुई तभी सिलेक्ट करेगा, तो मैंने एक करने अपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई ताकि हम समझ पाएंगे कितनी डेट रेंज सेलेक्ट हो रही है। सिलेक्ट करते हैं ऐसे दिस मंथ, तो जैसे जून का मंथ, चूँकि आज 1 जून है, तो जैसे जून मंथ को जो पूरी डेट्स इनको सेलेक्ट कर लिया। भले ये डेट डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती, किसी सेल को छोड़ छोड़ के कहीं कहीं भी लिखी होती, तो भी ये जून की डेट को सिलेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू जहाँ तक लिखी है इसे वहीं तक सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे यदि हम इसको नेक्स्ट मंथ करते हैं तो नेक्स्ट मंथ है जुलाई, तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो भी डेट्स इस बीच रेंज के अंदर आएंगे उन सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेट बेस के ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, टेक्स्ट बेस पर भी लगा सकते हैं। तो इससे पर्टिकुलर फ़ायदा ये होता है कि जब हमें देखना है कि किस पर्टिकुलर डेट में ज़्यादा सेल हो रही है या कम सेल हुई है, अगर हम ऐसे कुछ देखना चाहते हैं, या उन उस मंथ को सपोज़ कोई डेट हमारे साथ एक साथ नहीं लिखी है, हम इनको फिल्टर लगा के देखना चाहते हैं, तो हम उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू, क्लिक करते हैं यहाँ से, मैंने डेटा रेंज सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट और यूनिक, दो ऑप्शंस आते हैं। डुप्लीकेट को मैंने क्लिक किया, रेड कलर से हाईलाइट होता है जो वैल्यू यहाँ पे इस रेंज के अंदर डबल डबल लिखी हुई है। दिल्ली यहाँ लिखा है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी लिखा हुआ है, ऊपर आंध्र प्रदेश में जो दो बार लिखा हुआ है, दिल्ली भी दिल्ली दो बार आ रही है। इस पूरी रेंज के अंदर जो भी वैल्यू एक से ज़्यादा बार लिखी हुई है वो हाईलाइट हो जाएंगी, तो हम डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे हम यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि जो वैल्यू सिर्फ एक बार लिखी हुई है उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। मैं डुप्लीकेट की जगह यहाँ पर यूनिक कर दूँ, कलर जो भी मैं यहाँ देना चाहूँ, सपोज़ कर मैंने अभी रेडी रखा है, ओके करता हूँ, तो इस बार जो यूनिक वैल्यू है यानी कि जो दो बार नहीं लिखी गई हैं सिर्फ वही हाईलाइट होंगे, यानी कि जो स्टेट यहाँ पर सिर्फ एक बार लिखे गए हैं वही हाईलाइट होंगे। हमें एक ही सेल के अंदर या एक ही रेंज के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं। चलिए मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ। सपोज़ करो मुझे जो वैल्यू डुप्लीकेट है उनको रेड कलर से डिस्प्ले करना है और जो यूनिक है उनको ग्रीन कलर से डिस्प्ले करना है, तो सेम रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे डुप्लीकेट मैंने रेड को पहले सेलेक्ट किया हुआ, इस बार मैंने यूनिक किया और यहाँ से इनका कलर चेंज कर दिया ग्रीन, ओके किया, तो जो वैल्यू यूनिक है वो ग्रीन से हो गई। रेंज सेम है, मैंने एक ही रेंज पे दो बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी, जिससे कि दोनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी सेल के ऊपर अलग अलग कंडीशन के साथ अप्लाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मोर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके जितने भी ऑप्शन आते हैं सबको वन बाय वन समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और इतना ही नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।